अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्त कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, आज का कंटेंट जो है वो सबसे पहले तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब किया। चैनल 1000 के हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं, सही है, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो कंटेंट है वो है जो लोग रोमानिया में, स्पेशली उनके लिए आज, क्योंकि उनको जो मसले मसाइल हैं यहाँ पर उस हवाले से। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अम्बेसीज के नंबर ईमेल्स जो है वो डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से वो देख के आप वहाँ पे उनसे रब्ता कर सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो जो कोई भी यहाँ पे आए हुए हैं रोमानिया में लोग, स्पेशली आज की वीडियो उनके लिए, और काफ़ी दिनों बाद आज मैंने वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिज़ी था काम में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली जो यहाँ पे मौजूद है रोमानिया के अंदर। तो जो भी आप लोगों का मसला है, जैसे जॉब का कोई मसला है या किसी ने आपको बोला है कुछ और काम, और जब आप यहाँ पे आए हैं आपके साथ कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, कोई सैलरी नहीं देगा, जो भी आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई तंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए अपना जो यहाँ पे जो एम्बेसी है पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, इंडिया की है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। उसका तरीक़ाकार क्या है? अगर आप, ज़ाहरी बात है, बुखारेस्ट में है एम्बेसी, तो आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, तो आपको चाहिए सिंपल सी ईमेल एड्रेस मैं दे दूँगा, फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, फ़ोन पे रब्ता करें, ठीक है, और ईमेल करें उनको। उसका एक्शन होगा, पाकिस्तान में भी कुछ एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ और कुछ लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, स्पेशली टू थैंक्स इमरान खान, कि जब से उन्होंने वो सऊदी अरेबिया वाला सीन किया तो उसके बाद जो है ना वो थोड़ा बहुत एम्बेसीज़ वाले एक्टिव हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, सही है। कुछ लोगों के भी हुए हैं, उन लोगों के काफ़ी सारे मसले मसाइल थे, यहाँ पे आए थे, तंग थे, ठीक है, जो काम बताए थे वो हैं नहीं, सैलरी मिल रही नहीं है, और बहुत सारे उनको मसले मसाइल थे। तो अभी जो है आपने सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ करना, क्या एक सिंपल सादा पेपर लेना है, उस पर आपने अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में अगर आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख के जो भी आपको मसला मसाइल है वो आप उसमें लिख दें, ठीक है। और टाइटल क्या देना है, सेंड टू, जो टाइटल ऊपर आएगा, कौंसलेट, जो भी कौंसलेट है वहाँ पे, जो भी एम्बेसी है पाकिस्तान की, कौंसलेट टू बुखारेस्ट, ठीक है, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान या एम्बेसी ऑफ इंडिया, जो भी है, ठीक है। उसके नीचे आपने अपना जो भी आपका मसला मसाइल है आपने वो लिखना है, ठीक है, अपना मसला मसाइल लिख के, उसके बाद आपका जो पाकिस्तान का पासपोर्ट नंबर है वो आपने वहाँ पर लिखना है नीचे, उसके बाद आपका जो आईडी कार्ड नंबर है यहाँ का या पाकिस्तान का या इंडिया का वो अपने साथ मेंशन करना, और अपना मोबाइल नंबर मेंशन करो। जितने लोग हैं बेशक एक ही पेज पे लिख के अपनी लैसे हैं, अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में लिख सकते हैं, उर्दू में लिखें, हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख के एक सिंपल सादे पेपर पर, और वो आप अटैच करके सिंपली आप ईमेल कर दें उनको, उनको इन्फॉर्म कर दें। पहले आप कॉल पर बात कर लें, कॉल पर बात करके वो भी आपको यही तरीक़ाकार बताएँगे कि आप ऐसे ऐसे करें, और जिस एजेंसी के थ्रू आप आए हैं, जिस भी किसी उसके थ्रू आए हैं आप, एजेंट के थ्रू, आप उनका हवाला दें कि हम इसके थ्रू आए हैं और यहाँ पे हमारा ये केयर टेकर है और ये जो बंदा है इस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। यहाँ की जो है एम्प्लॉयमेंट, क्या इसको कहते हैं यार, जो एम्प्लॉय बेनिफिट जो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे रोमानिया में, वो उस बंदे के खिलाफ एक्शन लेंगे, और बड़ा ही आजकल होता है ऐसा, हो रहा है ऐसा। तो इसलिए जो है वो आपको जो भी मसला मसाइल है आप ईमेल करें, आप लीगल तरीके से हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत तंग किया जाता है कि आपको डिपोर्ट करवा देंगे, ये कर देंगे, आप लोगों को काम करना पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, सैलरी प्रॉपर नहीं देते। तो इस हवाले से है ये आज की वीडियो जो है। तो काफ़ी टाइम बाद आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं वीडियो बना रहा था, तो अब जो है वो बस इतनी ही आज थोड़ी सी शॉर्टकट वीडियो है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो भी आना चाहते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, लोग अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे, कोई कोविड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोग पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सही है, और ना ही मैं एजेंट हूँ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बुलवा लूँ। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस नीचे कमेंट्स आए होते हैं कि जी हमें बताएँ, हमें बुलवाएँ, ये करना है, वो काम करता हूँ, तो आप लोग अपने अपने नियर जो भी रबता है उस वहाँ पर एजेंट से रबता करें, और क्या कहते हैं, किसी भी दो नंबर बंदे के हाथ ना चढ़ें, फंसे नहीं, तो बचत रहेगी आप लोगों की, अदरवाइज़ पैसे भी फंसेंगे और आप लोग भी फंसेंगे। तो इसलिए जो है पैसे 12-12 लाख 15-15 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी के साथ जो भी करना है काम करें, तो वो बेहतर रहेगा। तो अभी चलें जी, आज की वीडियो इतनी थी, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो ज़रूर देखें, जो जो आज के स्पेशली जो रोमानिया में है उन लोगों के लिए वीडियो है।
तो बाकी जो भी है वो इंशाल्लाह एजेंसीज या एम्बेसीज आपका आपको केयर टेकर करेंगे, आप उनके खिलाफ़ एक्शन होगा, आपको भी पता चलेगा, नज़र आएगा कि वाकई ही काम हो रहा है। तो आप जब तक अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, आपको उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, उनको क्या पता कि आप किस मुश्किल में, आपकी क्या मुश्किल हैं, आपके क्या मसले मसाइल हैं। सही है, तो इसलिए ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।